Hi friends, friends, today we are going to start our class number 18, and in this today's class number 18, I would like to teach you another most important tense of English grammar, present perfect continuous tense. Friends, present perfect continuous tense is also very important tense in English grammar. तो फ्रेंड्स इसके जो मायना है वो ज़माने हाल मुकम्मल जारी, यानी ऐसा काम जो मुकम्मल तौर पर अभी जारी है। और इसमें एक और नई चीज़ आएगी फ्रेंड्स, वो ये है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद है कि मुकर्रर वक्त, और पीरियड ऑफ टाइम से मुराद है गैर मुकर्रर वक्त, यानी जो सब्जेक्ट का काम होगा वो किसी मुकर्रर वक्त से जारी है या किसी गैर मुकर्रर वक्त से जारी है, ये बताएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्रेंड्स इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हैव बीन और हैज बीन है। हैव बीन इज यूज्ड विद सब्जेक्ट्स आई वी यू दे टू नेम्स। व्हेनेवर हैज बीन इज यूज्ड विद सब्जेक्ट्स ही शी इट एंड वन नेम। तो सैंपल्स जो हैं इसकी हैं रहा हूं, रही है, रहा है, रहे हैं और रही हूं। ये निशानियां हैं जिनकी मदद से हम पहचान पाएंगे कि ये जुमला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। फ्रेंड्स यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये जो सैंपल्स हैं, निशानियां हैं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हैं। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली ही निशानियां हैं। लेकिन इनमें एक नई चीज आएगी, वो है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उर्दू के अंदर जो है लफ्ज से आ जाएगा। और इसके जुमले होंगे कि विशाल सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, यानी रहा है निशानी तो आ रही है, लेकिन सुबह से ये जो वक्त बताएगा जुमला, जो हमें वक्त बताएगा, फिर वो मुकर्रर वक्त हो या गैर मुकर्रर वक्त हो, उससे हम पहचान पाएंगे कि ये जुमला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है और प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमलों के अंदर आखिर में रहा हूँ, रही है, रहा है, रहे हैं, रही हूँ वगैरह आता है। और इसमें जो है इन निशानियों के साथ साथ जो है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम भी आएगा, जो कि होगा सुबह से, शाम से, रात से, बचपन से, दो दिन से, दो हफ्तों से, दो घंटों से, मतलब ये जो इजाफी चीज़ आएगी से है, ये हमें बताएगी कि ये जुमला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सिखाता हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की मायना है मुकर्रर वक्त, और ये जो होता है वो सिंस होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है पीरियड ऑफ टाइम, यानी गैर मुकर्रर वक्त, और उसके लिए हम फार का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मुकर्रर वक्त क्या है, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है किसी मुकर्रर वक्त से काम कर रहा है तो वो जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है किसी गैर मुकर्रर वक्त से काम कर रहा है, यानी गैर मुकर्रर से मुराद है कि हमें ठीक से पता ना चल रहा हो कि वो कब से काम कर रहा है, तो वो जो है पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, गैर मुकर्रर वक्त, और उसके लिए हमने फार का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपके जुमले में ये आए कि सब्जेक्ट सुबह से कोई काम कर रहा है या शाम से कर रहा है या रात से कर रहा है नाइट, तो हम जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है उसके काम के दौरानिए का हफ्ते के दिनों के हवाले से बताया गया हुआ हो कि मंडे से, ट्यूसडे से, वेनसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से या संडे से, तो हम भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट जो है 2000 से, 2001 से, 2002 से, 2010 से या 2020 से कोई काम कर रहा है तो हम जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट साल के किसी भी महीने से कहीं पे काम कर रहा है, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, जून हो, अगस्त हो या दिसंबर हो, तो हमने जो है सिंस का इस्तेमाल करना है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है चाइल्डहुड यानी बचपन से कोई काम कर रहा है तो उसके लिए हमने भी सिंस का इस्तेमाल करना है। अगर आपके सब्जेक्ट के काम में पिछले का जिक्र हो यानी प्रीवियस, तो भी हम जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे।
तो अब जो है पीरियड ऑफ टाइम मीन्स गैर मुकर्रर वक्त। गैर मुकर्रर से मुराद है कि वक्त का सही से पता ना चल रहा हो। अब यहाँ पे लिखा है मैंने 1 आवर 10 आवर्स, यानी 1 आवर हो, 2 आवर्स हो, 5 आवर्स हो या 10 आवर्स हो। हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि तुम 2 घंटों से लेसन लिख रहे हो। अब 2 घंटे पता नहीं कौन से, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पे ख़त्म हुए, ये गैर मुकर्रर वक्त है। जबकि वहाँ पे जो है क्लियर बता रहा है कि सुबह से, शाम से, या रात से, या मंडे से, या 2000 से, या जनवरी से, या बचपन से, ये मुकर्रर वक्त है। जबकि यहाँ पे जो है गैर मुकर्रर है, 1 आवर 10 आवर्स, 1 आवर। अब 1 आवर पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, कब शुरू हुआ, तो ये जो है गैर मुकर्रर वक्त कहलाता है। अगर आपके जुमले के अंदर 1 वीक 4 वीक्स 10 वीक्स हों तो भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके जुमले के अंदर 1 मंथ 2 मंथ 7 मंथ 8 मंथ्स हो तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके जुमले में 1 ईयर 2 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स का जिक्र हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके जुमले में 1 डे 2 डेज 5 डेज 7 डेज हो तो भी हम जो है फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 जुमले लिखे हैं। नंबर 1 सेंटेंस है, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, इस जुमले में पता चल रहा है कि सब्जेक्ट जो मैं है वो एक मुकर्रर वक्त है सुबह वाला, उस वक्त से अपना काम जारी रखे हुए हुआ है। और नंबर 2 सेंटेंस जो है वो है, तुम 2 घंटों से लेसन लिख रहे हो। तुम 2 घंटों से लेसन लिख रहे हो, इस सेंटेंस में 2 घंटे जो हैं वो पीरियड ऑफ टाइम है, गैर मुकर्रर वक्त है। अब ये 2 घंटे पता नहीं कब शुरू हुए, कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पे ख़त्म हुए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको जो है गैर मुकर्रर वक्त में काउंट किया जाता है। और ऐसे जुमले के अंदर जो हमने फॉर का इस्तेमाल करना होता है। जबकि ये जो जुमला है नंबर 1, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, इस जुमले के अंदर क्योंकि वक्त का तायुन है कि मुकर्रर वक्त है सुबह वाला, जिससे वो सब्जेक्ट जो है काम का कर रहा है, तो उसमें हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। तो जहाँ पे मुकर्रर वक्त होगा वहाँ पे हम जुमले के साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे गैर मुकर्रर वक्त हो वहाँ पे हम जो है फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फार्मूला पे ध्यान देंगे। फार्मूला कह रहा है सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वी फॉर से मुराद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो हमने कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल की थी वही वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देना है, उसके बाद सिंस या फॉर देना है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को जाहिर करेगा, और उसके बाद जो है एक और आखिरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि खुद पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम ये 2 सेंटेंसेस हैं इनको अफर्मेटिव करेंगे। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले तो पहला काम आपने करना है जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम भी होगा, जिसको भी हमने अलग करना होता है पहले, और उसके बाद हम सेंटेंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाला है। अब काम क्या कर रहा है, लिखने का, तो ये हमारा जो है वर्ब हो गया। अब क्या लिख रहा है, खत, तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद भी दो चीज़ें और रहती हैं। ये जो वर्ड से होता है ये सिंस या फॉर को शो करता है, ये सिंस या फॉर को जाहिर करता है। और उसके बाद जो है सुबह जो है हमारा वो टाइम को शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम को, इसको भी हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो अब जब हमने सारी चीज़ें अलग अलग कर दी हैं तो अब हम इस सेंटेंस को करेंगे अफर्मेटिव के अंदर। फार्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें जो कि हमारा है सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हैव बीन इस्तेमाल होगा, आई हैव बीन। अब फार्मूला क्या है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, तो राइट जो वर्ब है उसको हमने आईएनजी देकर राइटिंग कर देना है। अब ऑब्जेक्ट
जो है लेटर खत ये हमने देना है। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, अब क्योंकि मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है यानी मुकर्रर वक्त है, एक सुबह का मुकर्रर वक्त, तो मुकर्रर वक्त के अंदर हम जो है सिंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे सिंस इस्तेमाल होगा। और उसके बाद सुबह की इंग्लिश जो है मॉर्निंग, जिसे हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस था, मैं सुबह से खत लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह जो है एक मुकर्रर वक्त है, गैर मुकर्रर वक्त नहीं है, और मुकर्रर वक्त जो है जहाँ पे होगा वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करके और फिर जो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम खुद होता है उसका इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर टू सेंटेंस भी हम करेंगे, तुम दो घंटों से खाना खा रहे हो। सबसे पहला काम हमारा जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और जो है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को अलग करना है। तो तुम जो है काम करने वाला वो हमारा सब्जेक्ट है। अब खाने का काम कर रहा है तो ये वर्ब है, और ये खाना जो फूड है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो से है ये सिंस या फॉर को जाहिर करता है, और ये दो घंटों जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। तो क्योंकि दो घंटे जो हैं वो गैर मुकर्रर वक्त में आते हैं, तुम दो घंटों से खाना खा रहे हो। अब दो घंटे पता नहीं कब से शुरू हुए, कब ख़त्म होंगे या कब ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो गैर मुकर्रर वक्त का होता है, क्योंकि इसमें वक्त का टाइम नहीं बताया गया। दो घंटों से, अब दो घंटे पता नहीं कब से शुरू हुए, कल से शुरू हुए, सुबह से शुरू हुए, रात से शुरू हुए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए ये जो है पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है और इसके अंदर हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। तो अब हम फार्मूला की मदद से सेंटेंस को करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हैव बीन का इस्तेमाल होता है। अब ईटिंग हमारा वर्ब आ जाएगा, फूड जो हमारा खाना ऑब्जेक्ट। अब दो घंटों से, क्योंकि दो घंटे गैर मुकर्रर वक्त हैं तो लिहाजा हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर। अब दो घंटों से जो है टू हावर्स आखिर में दे देंगे। तो ये जो हमारे दो सेंटेंसेस थे उनको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर दिए हैं। मैं सुबह से खत लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, और नंबर टू तुम दो घंटों से खाना खा रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग फूड फॉर टू हावर्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप्स सिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, एक यहां पे जुमला लिखा हुआ है जिसको हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। नजीर जनवरी से यहां पढ़ा रहा है। सबसे पहला काम हमारा जुमले में से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करना, और क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें हम जो है सिंस और फार, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के नामों से पहचानते हैं, उनको भी अलग करना है। तो सबसे पहले नजीर जो है काम करने वाला वो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद पढ़ाना जो वर्ब है हमारा यहाँ जो है ऑब्जेक्ट है, अब से जो है सिंस या फॉर है हमारा, और जनवरी जो है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं। तो अब जब हमने सारी चीज़ें जो हैं अलग-अलग कर दी हैं तो अब हम इस सेंटेंस को करेंगे। सबसे पहले फार्मूला कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखें जो हमारा है नज़ीर, क्योंकि नज़ीर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। अब पढ़ाना जो है टीच, उसकी आई एन जी वाली फॉर्म हम इसका इस्तेमाल करेंगे, टीचिंग। यहाँ जो है हेयर, अब जनवरी से एक मुकर्रर वक्त है कि महीना बताया गया है कि जनवरी से पढ़ा रहा है, तो लिहाजा हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस जनवरी हो जाएगा ये। नजीर हैज बीन टीचिंग हेयर सिंस जनवरी। अब इसी जुमले को हम नेगेटिव करेंगे तो बड़ा आसानी हो जाएगा, नजीर हैज Not been
उसके बाद टीचिंग हमारा जो वर्ब है, हेयर सिंस जनवरी। अब इस जुमले को इंट्रोगेटिव करेंगे तो सबसे पहले हमने हैज देना है, उसके बाद सब्जेक्ट नजीर, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, टीचिंग हेयर सिंस जनवरी, और उसके बाद आखिर में जो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी यही होगा, हैज नजीर नॉट बीन टीचिंग हेयर सिंस जनवरी। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो फ्रेंड्स अब हमने जो है इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव स्टेप्स भी सीख लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जैसा कि हर वीडियो में मैं आखिर में एज एन एक्टिविटी कुछ सेंटेंसेस देता आ रहा हूँ कि जो आपने अपनी तरफ से करने होते हैं, उसी तरह मैंने यहाँ पे इस वीडियो में भी कोई 5 सेंटेंसेस लिखे हैं जो आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। नंबर 1 सेंटेंस है, बेनजीर मार्क से अंग्रेजी बोल रही है। बोलना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है और ing वाली फॉर्म में आपने खुद करना है। नंबर 2 सेंटेंस है, धोनी 2010 से क्रिकेट खेल रहा है। खेलना जो है प्ले, मैंने यहाँ पे वर्ब लिख दिया है। नंबर 3 सेंटेंस है, सफिया 2 हफ्तों से स्कूल जा रही है। जाना जो वर्ब है गो। नंबर 4 सेंटेंस हमारा है, रजा मोहम्मद 2 घंटों से गेम खेल रहा है। खेलना जो वर्ब है प्ले, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नंबर 5 सेंटेंस है हमारा, तुम 10 सालों से अच्छा काम कर रहे हो। काम करना जो है वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे वर्क लिख दिए, आपने अपनी तरफ से इसमें ing जो है मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस है जिनको आपने अपनी तरफ से करने हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप मज़ीद नए नए जुमले अपनी तरफ से ऐसे बनाएं जिनमें ये जाहिर करें कि सब्जेक्ट ने जो है किसी मुकर्रर या गैर मुकर्रर अरसे से कोई काम शुरू किया और अभी तक उसका वो काम जो है जारी है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर थोड़ा रिपीट कर दूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम जो है गैर मुकर्रर वक्त उसमें हम जो है फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो मुकर्रर वक्त क्या है कि अगर बताया गया हो कि सुबह से शाम से या रात से कोई काम सब्जेक्ट कर रहा है तो ये मुकर्रर वक्त है। उसके अलावा जो है हफ्ते के दिनों के नाम हों तो ये मुकर्रर वक्त है, हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर महीनों के नाम हों तो ये भी मुकर्रर वक्त है और इसमें हम जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर जो है सन का जिक्र हो, मतलब 2010, 2005, 2020, 1985 ETC, तो उसमें हम जो है ये मुकर्रर वक्त और सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर वर्ड चाइल्डहुड हो, बचपन हो, तो भी हम जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर जो वर्ड है प्रीवियस आ जाए किसी महीने के साथ, दिन के साथ या घंटे के साथ, वर्ड अगर प्रीवियस आ जाएगा तो भी हम जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब पीरियड ऑफ टाइम जो है जिसमें हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है गैर मुकर्रर वक्त होता है, वक्त का कोई तायुन नहीं किया हुआ था जिसमें 1 घंटे से 5 घंटे से 10 घंटे से हो। तो अब 1 घंटा 5 घंटे या 10 घंटे पता नहीं कब शुरू हुए, कब ख़त्म हुए, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो लिहाजा ये जो है गैर मुकर्रर वक्त में काउंट होता है और उसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 दिन हो 5 दिन 7 दिन का जिक्र हो तो भी ये गैर मुकर्रर वक्त है क्योंकि पता नहीं चल रहा कि वो 2 दिन कब से शुरू हुए या 5 दिन कब से शुरू हुए, कब ख़त्म हुए, कोई पता नहीं, कोई ख़बर नहीं, तो उसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। 2 हफ्तों से हो 5 हफ्तों से हो 7 हफ्तों से तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 2 मंथ्स हों या 2 ईयर्स हों, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स,
तो उसमें हम जो है फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करके उसका जो है मेन चीज़ है, जो नई चीज़ है हमारी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। और आप अगर अच्छे से मश्क करेंगे तो इस टेंस को, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, बड़ी वैल्यू है इस टेंस की भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये भी। तो अगर आप अच्छे से मश्क करेंगे और इस वीडियो के थ्रू जो है कोशिश करेंगे कि आप घर बैठे इंग्लिश ग्रामर सीख लें, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह कोई भी चीज़ सीख लेते हैं। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरी इन वीडियोस को ध्यान से सुनेगा और उन पे ध्यान से अमल करेगा, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो घर बैठे मेरी इन वीडियोस के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश ग्रामर सीख लेगा। थैंक्स।